Shri Ram, 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 Shri Ram. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Jai Shri Ram. राम अवतार के समय एक बार देखा तो था इन्हें, वही वानर आकृति है, शरीर से कैसा तेज निकल रहा है। जय श्री राम। आश्चर्य है, इतना समय बीत जाने पर भी यह प्रतीत होता है जैसे अभी यौवन में प्रवेश किया हो। जय श्री राम। हे वानर श्रेष्ठ, मैं विनेता पुत्र गरुड़ हूं, लोक प्रकाशक भगवान सूर्य के सारथी अरुण मेरे अग्रज हैं। श्री राम क्षमा करें, पक्षीराज। हे वैंदे, आपको कोई क्षति तो नहीं पहुंची? मैं जगतपति का भार उठाता हूं, मुझे क्षति पहुंचा सके ऐसी कोई शक्ति संसार में नहीं है। निसंदेह आपकी शक्ति से कौन परिचित नहीं है, आप भगवान के प्रिय भक्तों में से हैं, आप पर उनकी विशेष कृपा रहती है। आज आपके पुनः दर्शन करके हृदय शीतल हो गया। आइए कुछ देर राम नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम श्री राम राम। ये संकीर्तन करने का समय नहीं है। राम श्री राम राम। भगवान श्री कृष्ण ने आपको तत्काल ले आने का आदेश दिया है। किसने आदेश दिया है? द्वारकाधीश यदुकुल भूषण हमारे स्वामी श्री कृष्ण ने। मुझे उनसे क्या काम? क्या काम? वे परात्पर ब्रह्म गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण हैं। क्षमा करें, मैं तो अपने प्रभु श्री राम का दास हूं, उनके अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं जानता। हे वानर, चिरंजीवी आप अवश्य हो गए हैं, किंतु आप निरे वानर ही रहे। देखिए स्वेच्छा से चलिए, अन्यथा 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 आपको बांध कर ले जाने के लिए मेरे पास पाश भी हैं। बोलिए चलेंगे कि नहीं? होइए सोही जो राम रची राखा। बहुत हो गया, लगता है अब गरुड़ पाश का प्रयोग करना ही होगा। श्री राम।
जय श्री राम। उन्होंने आने से मना कर दिया। नाथ, आप तो उनके गुण गाते नहीं थक रहे थे, किंतु आपके भक्त शिरोमणि तो बड़े ही अहंकारी सिद्ध हुए। भूल मेरी ही है। आप हनुमान से जाकर कहिए कि श्री राम उनका स्मरण कर रहे हैं। स्वामी, स्वामी वे बड़े ही उद्दंड हैं। निश्चिंत रहे पक्षीराज, राम का नाम सुनकर वे दौड़े चले आएंगे, और यदि ना भी आए तो इस बार आप उन्हें बल पूर्वक ले आइएगा। ऐसे भी आपके बल और गति के आगे कोई क्या ठहरेगा पक्षीराज। श्री राम, श्री राम, श्री राम। हे कपीवर, प्रभु श्री राम द्वारका में आपका स्मरण कर रहे हैं। आप धन्य हैं पक्षीराज, मेरे प्रभु श्री राम का संदेश लाने वाले। हे विंते, आप सदैव प्रभु के प्रिय बने रहें। जय श्री राम। मुकम पा रहा है, सभा टोल क्यों रही थी प्रभु, किंतु प्रभु और रुक्मणी दीदी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्राणवल्लभ, कहीं आपने असम में प्रलय लीला तो नहीं आरंभ कर दी? नहीं प्रियतमा, ना तो भूकंप आ रहा है और ना ही प्रलय। तो फिर भक्त शिरोमणि आंजनेय हनुमान आ रहे हैं। आगे प्रवेश वर्जित है। प्रणाम करता हूं अष्ट शिरोमणि, मैं केसरी पुत्र हनुमान हूं, रघुकुल तिलक, प्रभु श्री राम का एक तुच्छ दास हूं। आप कोई भी हो, यहां किस प्रयोजन से आए हैं? मुझे मेरे स्वामी ने बुलाया है। तो यहां क्यों आए हो? क्या जानते नहीं ये यदुकुल पालक श्री कृष्ण का राजप्रसाद है? होगा, मेरे प्रभु ने यही आदेश दिया है। व्यर्थ की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, चलिए जाइए यहां से। स्वामी की आज्ञा का पालन किए बिना भक्त की कहां गति।
मुझे भीतर जाना ही होगा। मुझसे हट, अब देखे मेरा उग्र रूप। होइए सोही जो राम रचि राखा। बलि हनुमान के लिए अब मुझे राम रूप धारण करना होगा। सखाराम चंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु न
नरनिन्यम जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नाथ, मैं निरंतर आपकी वंदना करता हूं, आपके चरणों का ध्यान करता हूं, पर आज आपके साक्षात शुद्ध चरण कमल से, तुलसी की सुगंध से दास का हृदय तृप्त हो गया प्रभु। इतने वर्षों पश्चात तुम्हें देखकर मेरा हृदय भी गदगद हो गया प्रिय हनुमान। मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? वत्स हनुमान, मुझे यहां द्वारका में देखकर तुम्हारे चित्त में कोई जिज्ञासा तो नहीं उठ रही? या कोई और भी बात यदि मन को व्यथित कर रही हो तो संकोच ना करो, पूछ लो। प्रभु, आप संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं, आप तीनों लोक में हैं, तीनों कालों में हैं, सभी समय सभी स्थान पे उपस्थित रहते हैं। आपके कहीं भी होने में आश्चर्य कैसा? पर माता सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही। और ये आपके समीप ये सेविका कौन है? Thank you.
माता सीता, पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी रघुपति भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। पर हमारे अस्त्र को आपने अपने मुख में स्थान दे दिया। ये मित्रता कब हुई प्रिय हनुमान? इनसे वाद विवाद करने में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती प्रभु, इसलिए मैंने सोचा अपने मुख में ही स्थान दे दूं। अंजनी नंदन, मेरे समीप इतनी स्त्रियां देखकर भी तुम्हें विस्मय हो रहा होगा। हो तो रहा है प्रभु, कौन है ये माताएं? तुम्हें स्मरण होगा कपीवर, त्रेता युग में अनुजों और सेना सहित मैंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। तब से अब तक लाखों वर्षों से तुम निरंतर मेरे नाम का जाप कर रहे हो, और कदाचित तुम्हें भी बोध है वत्स कि वर्तमान द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण रूप में इस पृथ्वी पर फिर से अवतार ले चुका हूं। और कदाचित तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि इस अवतार में मैं 16,108 रानियों का स्वामी हूं। यहां उपस्थित ये सारी स्त्रियां मेरी विवाहिता हैं। तुम तो सदैव मेरे हृदय में वास करते हो प्रियवर, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, मैं समदर्शी हूं, सबके साथ समान भाव रखता हूं। केवल तुम जैसे भक्तों पर
मेरी विशेष कृपा रहती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं हनुमान। मांगो, वर मांगो। नाथ, यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं, तो मेरे हृदय में सदैव बसने वाले सीतापति, धनुष बाणी प्रभु श्री राम के रूप में मुझे पूर्ण दर्शन दीजिए। प्रिय, मुझे कोई नहीं हनुमान। मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। देखो हनुमान, अगले कल्प में तुम्हें ब्रह्मा जी का दायित्व धारण करके इस सृष्टि की रचना करनी होगी। करोगे ना? जैसी प्रभु की आज्ञा। सुनो मित्र सुदर्शन, अभी यहाँ पर परमवीर हनुमान आने वाले हैं, सावधान रहना, भूलकर भी उनसे लजना मत, नहीं तो। शिराज, वो तो आकर चले भी गए। आकर चले गए? बल ही नहीं, गति में भी वो मुझसे बढ़कर हैं, और मारक क्षमता में मुझसे भी बढ़कर। मित्र वैंते, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मैंने व्यर्थ ही आपके आगे अहंकार किया। नहीं नहीं अस्तर शिरोमणि, भूल मेरी थी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं सब समझ गई ना। क्या समझ गई प्रिय? यही कि आपने ये सारी लीला मेरा
गर्व भंग करने के लिए खेली। रानी सत्यभामा, आपके साथ अस्त्र शिरोमणि सुदर्शन का भी गर्व भंग हो गया है और पक्षीराज गरुड़ का भी। मुझे अपने रूप का अभिमान हो गया था स्वामी। मैं ये भी भूल बैठी कि आप कभी किसी पर आसक्त नहीं होते, मात्र लीला करते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। जहां अहंकार होता है वहां प्रेम नहीं रहता। अहम के जाते ही भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। भक्त स्वयं भगवत रूप हो जाता है। ये है प्रेम की शक्ति। जानती हो सबसे बड़ा प्रेमी कौन है? कौन नाथ? पवन पुत्र हनुमान। स्वामी, आपने महाबली हनुमान से यह क्यों कहा कि मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा? भक्त तो भगवान के जन्म जन्मांतर से ऋणी थे और सदैव रहेंगे, परंतु भगवान भक्त का ऋणी हो, यह तो महान आश्चर्य का विषय है। कारण ही कुछ ऐसा है कि मैं ऋणी और सदैव रहूंगा। तो बताइए ना प्रभु। बताऊं? जी बताइए। तो सुनो, वीर हनुमान ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आपके प्राणों की रक्षा? मेरी ही नहीं, शेषा अवतार लक्ष्मण की और 64 करोड़ वानरों की भी जीवन रक्षा की थी। ये लंका युद्ध की बात, हमारी सेना के अद्भुत पराक्रम से राक्षस सेना त्राही त्राही करने लगी तो रावण ने अपने मायावी पुत्र मेघनाथ को युद्ध भूमि में भेजा। ये मेघनाथ बड़ा ही कुशल योद्धा था। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हमारी संपूर्ण सेना को मरणासन कर दिया। मैं अर्थात दशरथ नंदन राम, शेषावतार लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव सहित सारे योद्धा सबके सब मूर्छित होकर मृत्यु के मुख में जाने लगे। तब बुद्धिमान जामवान ने संकट मोचन हनुमान को बुलाया। तात, आप ठीक तो हैं? हनुमान, संपूर्ण सेना की दशा देखो पुत्र, सबके प्राण मंद हो रहे हैं। हाँ तात, सूर्य की प्रथम किरणों के साथ ही ये सभी सैनिकों के प्राण
पखेरू हो जाएंगे। अब केवल तुम ही हम सब की प्राण रक्षा कर सकते हो हनुमान, किसी दूसरे में ये योग्यता नहीं है। श्री राम भी इस घड़ी में तुम्हारे पराक्रम के आश्रय हैं। और मेरा पराक्रम मेरे प्रभु श्री राम के आश्रय है। मैं जानता हूं पुत्र, तुम्हें बहुत दूर हिमालय जाना होगा और ब्रह्मास्त्र के उपचार के लिए औषधियां लानी होंगी पुत्र। हिमालय? हिमालय तो यहां से सहस्त्रों योजन की दूरी पर है। चकित न हो राक्षस राज, विलक्षण हनुमान पवन पुत्र और पूरी तरह सक्षम, उनके लिए ना तो कोई कार्य दुष्कर और ना ही कोई स्थान दुर्गम। आप औषधियां बताइए तात। उनके नाम ध्यान से सुनो पुत्र। मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संघानी। ये हिमालय पर कहाँ प्राप्त होंगी तात? ऋषभ नामक सुवर्णमय शिखर और शंकर जी के निवास कैलाश के बीच द्रोण नामक एक पर्वत है पुत्र, जो अपने प्रकाश से अलग ही दिखाई देता है। उसी पर्वत पर ये चारों औषधियां मिलेंगी, जो अपनी विशेष आभा से चमकती रहती। मुझे आज्ञा दीजिए तात। सफल होकर लौटो पुत्र। ध्यान रहे, सूर्योदय के पूर्व ही। मैं अभी औषधियां लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। जय श्री राम। अरे आ मेरी शक्ति को कम करके आंकने की भूल ना करे। मेरे पराक्रम से इंद्र भी हर हर कांपता है। ग्रह नक्षत्रों को मैं अपनी इच्छा से जहां चाहे अपनी इच्छा से घुमाता हूँ। मेरे अतिरिक्त वो कौन है जिसने महादेव शिव शंकर के निवास कैलाश को हिला कर रख दिया हो? मेरे अतिरिक्त है कोई ऐसा तपस्वी जिसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की हो और हर 1,000 वर्ष अपने एक एक शीश को स्वयं काट कर अर्पित कर दिया हो? यक्ष, किन्नर, नाग, गरुड़, देव, दानव कोई मुझे नहीं मार सकता। इन मनुष्य और वानरों को तो मैं कीट पतंगों की तरह मसल डालूंगा। मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, मैं अमर हूं, अजय हूं, मैं बुद्धि में भी सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरे 10 शीश इस बात का प्रमाण है। मैं बल में भी सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरी 20 भुजाएं इस बात का प्रमाण है। इतना ही नहीं, मैं छल में भी सबसे श्रेष्ठ हूँ। ना ना श्री, जहाँ बल और बुद्धि परास्त हो जाते हैं वहां मैं छल से विजय हो जाता हूँ। Ha ha ha!
करने में मेरा ये कार्य काल ने भी करेगा। कालनेमी बड़ा ही मायावी था। अपनी माया के बल पर वो धरती, आकाश और पाताल में भी जा सकता था। उसके पास एक ऐसी सिद्धि थी जिसकी सहायता से वो मन की गति से तीनों लोकों में कहीं भी चला जाता था। काल मैंने तुम आ गए। ये विनोद का समय नहीं है काल मैंने। ये विनोद का समय नहीं है काल नेमी। मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले काल नेमी। काल नेमी मेरी धैर्य की परीक्षा मत ले। दशानन को रुष्ट करने का परिणाम जानता है? लंकेश, छल, कपट, ये तो काल नेमी के अंग रक्षक हैं। लंकेश, छल, कपट, कला, विग्रह, दुराचार, मिथ्याचार, माया, मोहन, वशीकरण, कुछ भी करके कोई भी युक्ति से उस वानर का अंत कर। वानर? कौन वानर लंकेश? वही जो मेरे गले का कंटक बना हुआ है, हनुमान। ये किसका नाम ले दिया आपने लंकेश? हनुमान तो दुर्जय है, उससे पार पाना दुस्साध्य है। यदि तुमने ये कार्य कर दिया और हनुमान नामक कंटक निकाल दिया तो ये दशानन का वचन है कि तुम्हें लंका सहित पृथ्वी का आधा राज्य दे दिया जाएगा। हनुमान यदि तुमने ये कार्य ना किया तो यह भी दशानन का वचन है कि तुम्हारी जीवन लीला का अंत
इसी क्षण कर दिया जाएगा। और मेरा कार्य करेगा कि नहीं तो मैं हनुमान के प्राण भले ही न ले पाऊं किंतु इतना अवश्य सुनिश्चित कर सकता हूं सूर्य उदय से पहले रणभूमि में न पहुंच सके। तू बस उसका वध सुनिश्चित कर। लंकेश, जो कुछ संभव हो सकता है मैं वही बता रहा हूं। जा, वध कर दो उस हनुमान का। आपका कार्य पूर्ण हो गया समझिए। जब संकट विकट तब हनुमत किए सब जोग प्रकट। पड़े राम पर जब संकट तब हनुमत किए सब जोग प्रकट। निरंतर करते राम का ध्यान चले बचाने श्री राम के प्राण। पवन वेग से गमन गगन में श्री राम नाम को तारे आना आना संजीवनी लाना हनुमत को है काल हराना। काल नेमी से पार भी पाना हनुमत को है काल हराना। काल नेमी आंजने हनुमान की हत्या का प्रबंध करने के लिए वो एक पल में ही पाताल जा पहुंचा। मित्र दंत कंठक अपने मित्र की कार्य सिद्धि के लिए
अपना काल कूट विष प्रकट करो मित्र। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। लंका से पृथ्वी का आधा राज्य। हनुमान, कालकूट विष लेने के पश्चात कालनेमी एक पल में ही द्रोण पर्वत पर जा पहुंचा और एक तपस्वी का रूप धरकर शिला पर बैठ वो पाखंडी भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करने लगा। शिवम शिवाय, वंदे शंभु गुरुवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं केसरी पुत्र हनुमान प्रभु श्री राम का तुच्छ दास हूं। कल्याण हो वत्स, यहां किस उद्देश्य से आए हो? यहां तो साधकों और तपस्वियों के अतिरिक्त और कोई नहीं आता। मैं यहां पर संजीवनी आदि चार दिव्य औषधियां लेने आया हूं, किंतु मुझे जो लक्षण दिए गए थे यहां पर तो सारी औषधियां वैसी ही प्रतीत हो रही हैं। आपकी सहायता का आकांक्षी हूं, किंतु हमारी अंतर्दृष्टि कहती है कि आप बहुत दूर से आए हैं, इसलिए आपको विश्राम और जलपान की आवश्यकता है। ये लीजिए। क्षमा करें मुनिवर, राम कार्य के मध्य में मुझे नहीं विश्राम। ठीक, विश्राम नहीं करना चाहते ना करो, किंतु ये शीतल जल तो ग्रहण कर लो। नहीं, जल पीने का भी समय नहीं है। ये कोई साधारण जल नहीं है वत्स, इसे आप धन्वंतरी के अमृत कलश का एक अंश ही समझो। इसे ग्रहण करते ही आपकी देह में ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाएगा। नहीं मुनिवर,
राम कार्य करते हुए मैं निरंतर उत्साही बना रहता हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप औषधियों का निर्णय करने में मेरी सहायता करें। यहाँ नीचे एक सरोवर है, यदि आप उस सरोवर में स्नान करके आएंगे तो ये दिव्य औषधियां स्वयं को आपके सम्मुख प्रकट कर देंगी। जो आज्ञा मुनिवर। रुको, स्नान करते समय अपने नेत्र बंद रखिएगा। वो क्यों मुनिवर? इसके पीछे एक लंबी कथा है। यदि आपके पास समय है तो सुनाता हूं। नहीं नहीं मुनिवर, मैं नेत्र नहीं खोलूंगा, आज्ञा दीजिए। प्रभु, हनुमान जैसे बुद्धिशाली कालनेमी के छल में कैसे आ गए? जब भी कोई कपटी साधु का वेश धारण कर लेता है तो सरल हृदय लोग कुछ देर के लिए उसके छल से बाधित हो ही जाते हैं, परंतु जैसे ही कपटी का आचार उजागर होता है छल कपट की सारी माया विलुप्त हो जाती है और सत्य सत्य सामने आ जाता है, जैसा हनुमान के साथ हुआ।
आपका कल्याण हो कपीवर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप कौन हैं देवी? मेरा नाम धन्यमाली है, मैं स्वर्ग की अप्सरा थी, किंतु प्रजापति दक्ष के शापवश मकर योनि को प्राप्त हो गई और युगों से इस सरोवर में वास कर आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी, और आज आपके शुभ हाथों से मेरी मुक्ति हो गई। ये सब मेरे प्रभु श्री राम का प्रताप है, इसमें मेरा किंचित भी श्रेय नहीं। पवन पुत्र, आप उस तपस्वी से सावधान रहिएगा जिसने आपको यहाँ स्नान करने के लिए भेजा था। क्यों? क्योंकि वह तपस्वी नहीं, रावण का भेजा हुआ एक पाखंडी राक्षस है, जो आपका वध करने के लिए मुनि का वेश बनाकर कपट पूर्वक यहाँ बैठ गया है। एक बात और कपीवर, आप उसके कमंडल के जल से सावधान रहिएगा, उसमें अति भयंकर कालकूट विष भरा हुआ है। आप आ गए? बहुत प्रसन्नता हो रही है हमें। चलिए, औषधियों के लिए जाने से पूर्व आपको एक मंत्र देते हैं। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। अब आप मंत्र देंगे गुरुदेव? अति उत्तम, तब तो मेरा भी गुरु दक्षिणा देने का दायित्व हो जाएगा। किंतु वत्स, गुरु दक्षिणा का विधान तो दीक्षा पूर्ण होने के पश्चात का होता है। किंतु विशेष आपके लिए मैं गुरु मंत्र से पूर्व ही गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं गुरुदेव। भागते कहां हैं गुरुदेव, अमृत कलश से अमृत पान तो करते जाइए। मैं तेरा भेद जान गया हूं पाखंडी। बोल, कौन है तू, क्या नाम है तेरा? काल। और मैं तेरा काल हूं कालनेमी। जय श्री राम। जिन चार दिव्य औषधियों से हम सबकी जीवन रक्षा होने वाली थी, वो सब दिव्य औषधियां किसी प्राणी के पास आते ही अदृश्य हो जाती थीं। बजरंग बली हनुमान के पास जाते ही वो अदृश्य होने लगी। हनुमान विचित्र पहेली में फंस गए थे। रात्रि बीतने में मात्र आधा प्रहर शेष था। बुद्धिमानों में अग्रगण्य हनुमान को कोई उपाय न सूझता था। हे औषधियों, कृपा करके मेरे समक्ष प्रकट हो जाइए, श्री राम के कार्य के लिए आपकी आवश्यकता है। तो क्या औषधियों ने अपने को प्रकट कर दिया? तो फिर हनुमान ने क्या किया?
उन्होंने जो लीला की वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर उनकी पहचान बन गई। रिक्षना, रिक्षना जागते रहिए, हनुमान बस आते ही होंगे। रिक्षनाथ, सुबह होने में चौथाई घड़ी ही शेष है।